एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि एस का नेक्स्ट अपोनेंट होता है। फिर हमें एस इस जगह पे दिखाया जाता है जो कि वॉल्कर से बैटल करने आया हुआ होता है। फिर वॉल्कर कहता है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं तुमसे दोबारा बैटल कर पाऊँगा। एस और वॉल्कनर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये बैटल कर रहे होते हैं। उसके बाद वॉल्कनर को एस के हाथ में जीरिंग दिखती है। फिर ये कहता है कि ये अलोला रीजन से जीरिंग है। फिर एस कहता है ये एक जी क्रिस्टल है जो कि खास तौर पर मेरे और पिकाचू के लिए बनाया गया है। उसके बाद बैटल स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं। फिर इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एस सबसे पहले अपने लुकारियो को बुलाता है एंड वॉल्कनर अपने लक्सरे को बाहर बुलाता है। तभी वॉल्कनर अपने लक्सरे से इलेक्ट्रिक ट्रेन यूज़ करने को कहता है। उसके बाद पूरे स्टेडियम में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लग जाता है। उसके बाद एस अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर करने को कहता है। तभी जो वॉल्कनर है वो अपने लक्सरे से शॉक वेव यूज़ करने को कहता है। फिर जो लक्सरे का अटैक है वो ऑरा स्फीयर को चीरते हुए लुकारियो को डायरेक्ट हिट हो जाता है जिससे लुकारियो को थोड़ा डैमेज पहुँच जाता है। फिर एस कहता है इलेक्ट्रिक ट्रेन के कारण इलेक्ट्रिक मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। उसके बाद एस अपने लुकारी को वापस बुला लेता है और अपने सेकंड पोकेमोन गेंगार को बाहर बुलाता है जहाँ पे हमें गेंगार काफ़ी फुर्ती में लगता है। उसके बाद लक्सरे जो है गेंगार पर अटैक करने लगता है लेकिन उससे गेंगार बच जाता है एंड उसके बाद गेंगार जो लक्सरे पे साइकिक अटैक यूज़ करता है। उसके तुरंत बाद गेंगार नाइट शेड का यूज़ करता है जो कि लक्सरे को डायरेक्ट हिट हो जाता है। उसके बाद वॉल्कनर अपने लक्सरे को वापस बुला लेता है। उसके बाद वो अपने रोटोम फैन को बाहर भेजता है जहां हमें ये दोनों पोकेमोन ही फुर्ती में दिखाई देते हैं। उसके बाद रोटोम एयर स्लेस का यूज़ करता है गेंगार के ऊपर। फिर जो गेंगार है वो नाइट सेट का यूज़ करता है जिससे ये दोनों अटैक आपस में जाके टकरा जाते हैं। तभी जो गेंगार है वो आइस पंच यूज़ करने लगता है रोटोम के ऊपर लेकिन जो रोटोम है वो इससे बच जाता है। उसके बाद रोटोम थंडर वेव मूव यूज़ कर देता है गेंगार के ऊपर जिससे गेंगार पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद रोटोम गेंगार पे हैक्स अटैक यूज़ करता है जिससे गेंगार को काफ़ी डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो गेंगार है वो इस बैटल में हार जाता है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को बैटल स्टेडियम के अंदर भेजता है। उसके बाद पिकाचू और रोटोम के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर पिकाचू रोटोम के ऊपर इलेक्ट्रोवेव मूव यूज़ कर देता है जिससे रोटोम उसके अंदर फंस जाता है। उसके बाद पिकाचू रोटोम पे थंडरबोल्ट मूव यूज़ करता है। वॉल्कनर जो है वो अपने रोटोम को वापस बुला लेता है और उसके बाद ये अपने इलेक्ट्रो वायर को बैटल के अंदर उतारता है। उसके बाद इलेक्ट्रो वायर फायर पंच का यूज़ करता है पिकाचू के ऊपर जो कि डायरेक्ट पिकाचू को हिट हो जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आयरन टेल यूज़ करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रो वायर का आयरन टेल ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण जो है पिकाचू को वो मूव लग जाता है जिससे जो पिकाचू वो ज़मीन पर जाके गिर जाता है। फिर उसके बाद एस अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। उसके बाद वो अपने लुकारी को बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद एस अपने लुकारी को ऑरा स्फीयर यूज़ करने को कहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर फायर पंच का यूज़ करता है लुकारियों के ऊपर जिससे ये दोनों मूव आपस में टकरा जाते हैं जिससे इन दोनों पोकेमोन को ही डैमेज पड़ता है। उसके बाद एस का लुकारियो डबल टीम यूज़ करने लगता है एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर वाइल्ड चार्ज का यूज़ करता है। उसके बाद एस का लुकारियो ऑरा स्फीयर यूज़ करने लगता है। फिर जो इलेक्ट्रिक वायर है वो अपनी पूंछ की मदद से ऑरा स्फीयर को ब्लॉक कर देता है और एक थंडर पंच लुकारियो के ऊपर देकर मारता है जिससे कि लुकारियो पैरालाइज हो जाता है। तभी जो वॉल्कनर है वो अपने इलेक्ट्रो वायर को वापस बुलाकर अपने रोटोम को वापस बैटल के अंदर भेजता है। जो रोटोम है वो बैटल के अंदर आते ही हैक्स मूव यूज कर देता है जिससे कि लुकारियो को काफ़ी डैमेज लगता है। इसके बाद एस जो है वो अपने लुकारियो को रिवर्सल मूव यूज़ करने को कहता है जिससे लुकारियो आराम से रोटोम ड्रोन को हरा देता है एंड उसके बाद वॉल्कनर अपने लक्सरे को वापस बैटल के अंदर बुलाता है। फिर जो लक्सरे वो वापस से स्टेडियम के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन मूव यूज़ कर देता है। तभी जो लुकारियो वो ऑरा स्फीयर का यूज़ करने लगता है और लक्सरे शॉक वेव का यूज़ करने लगता है जहाँ पर इन दोनों के अटैक ही आपस में टकरा जाते हैं और ये दोनों पोकेमोन ही बैटल के अंदर हार जाते हैं। तभी दोनों के पास एक एक पोकेमोन बचता है जहाँ ये दोनों अपने पोकेमोन को बैटल के अंदर भेजते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रो वायर है वो पिकाचू के ऊपर वाइल्ड चार्ज मूव यूज़ करता है जो कि पिकाचू को डायरेक्ट हिट हो जाता है। फिर ये दोनों ही आयरन टेल मूव यूज़ करने लगते हैं। उसके बाद पिकाचू इलेक्ट्रो वायर को ज़मीन पर गिरा देता है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को जी मूव यूज़ करने को कहता है। तभी एस अपनी कैप को ऊपर उछाल कर पिकाचू को पहना देता है एंड उसके बाद ये जी मूव यूज़ करने लगते हैं। उसके बाद एस एंड पिकाचू 10 मिलियन वोल्ट का यूज़ करने लगते हैं जो कि इलेक्ट्रा वायर को डायरेक्ट जाके हिट हो जाता है जो कि इलेक्ट्रा वायर इस मूव को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता और इस बैटल के अंदर वो हार जाता है और जो एस है वो इस बैटल को आराम से जीत जाता है। फिर हमें एस की रैंक दिखाई जाती है जो कि 64 हो जाती है। फिर जो वॉल्कनर है वो एस के पास आकर उसे बैटल जीतने का कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। फिर हमें सिंथिया और ये और एंड लास्ट में हमें लियोन दिखाया जाता है जो कि इसे बैटल को देख रहे होते हैं।